नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि कल यानी 20 जनवरी को उनका अंतिम कार्य दिवस होगा। वो अपने पद से हट जाएंगे और राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन पदभार संभाल लेंगे, यानी वो नए राष्ट्रपति होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की विदाई बहुत ही विवादास्पद स्थितियों में हो रही है और उनकी विदाई जब कल हो जाएगी, बुधवार को हो जाएगी, तो 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, वो सुरक्षा कवच हट जाएगा जिसके बल पर वो अब तक सुरक्षित हैं और अपने ऊपर लगे हुए कई मुकदमों को, कई आरोपों को दरकिनार करते रहे हैं, खारिज करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनमें से कुछ आरोपों की, जिन्हें साबित हो जाने पर डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा भी हो सकती है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल जा सकते हैं यदि इनमें से एक भी आरोप साबित हो जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। तो कौन आरोप है, क्या आरोप है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात और जो सबसे सीरियस, सबसे गंभीर आरोप है, वो आरोप उन पर लगा है सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, रेप का। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति पर बलात्कार, यौन हमला और यौन उत्पीड़न के एक से अधिक मामले चल सकते हैं और चल रहे हैं। उनमें से एक है एक मशहूर पत्रिका एल मैगजीन की कॉलमनिस्ट का। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि 1990 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बुलाया था और वहां उनके साथ बलात्कार किया गया था। जब उन्होंने यह आरोप लगाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो महिला उस लायक नहीं है। इसके बाद वो इतना आहत हुई कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डिफेमेशन का केस चलाया और 2018 में यह मामला चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की सुनवाई नहीं हुई, इस मामले को बंद कर दिया गया क्योंकि वो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पर पद पर रहते हुए अमेरिका में आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। इसी तरह एक और मामला है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक टेलीविजन शो था, द अप्रेंटिस। उसकी एक कंटेस्टेंट थी समर जर्वस। समर जर्वस ने यह आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बेवरली हिल्स के एक होटल रूम में बुलाया था और वहां उन पर यौन हमला किया था। उन्होंने भी मुकदमा किया था, यह मुकदमा चल रहा है और यह मामला सिर्फ इसलिए दबा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, यानी जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो ये दोनों मुकदमे उनके खिलाफ खुलेंगे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर यौन संबंधों से जुड़े हुए दो और मामले हैं। एक पत्रिका की में लिखने वाली महिला और एक पोर्न स्टार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके बारे में गंभीर बात कही है। मैगजीन में लिखने वाली मॉडल करन मैकडॉगल्स ने और पोर्न फिल्मों की स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने यह आरोप लगाए थे, ये कहा था कि उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्सुअल रिलेशन कायम किया था और वो चुप रहें, इस बात का खुलासा ना करें, इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसे दिए थे, वो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो जो उनका कंपेन एड था, जो उनका प्रचार अभियान का जो फंड था, उसमें से पैसे दिए थे, जो कि अमेरिका के नियमों के मुताबिक गलत है, ये गैर कानूनी है। 2018 में यह मामला आया, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध किया, इसे खारिज कर दिया, लेकिन जब यह मामला गंभीर हुआ तो उस पर मुकदमा चला और डोनाल्ड ट्रंप के लीगल एडवाइजर पर, जिनका नाम था माइकल कोहेन, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ये काम किया था, चीजों को छुपाया था, सच्चाई को छुपाई थी और इसके बाद उनको 3 साल की सजा मिली। डोनाल्ड ट्रंप को सजा इसलिए नहीं मिली कि उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई, इसलिए कि वो राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर वित्तीय अनियमितताओं के, वित्तीय घपलों के कई आरोप हैं। जैसे एक आरोप यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना बिजनेस एम्पायर है, जो उनका कारोबार है, उनका होटल है, उनका रियल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है,
तो जो उनका रियल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है ट्रंप फाउंडेशन पर यह आरोप लगा था कि उसने टैक्स छुपाया था, टैक्स चुराया था और टैक्स से जुड़ी हुई गलत जानकारियां उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज को दी थी। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस वॉन्स ने इसकी ये मामला उठाया था, ये सरकार की ओर से वो इसमें पेश हुए थे और साइरस वॉन्स ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स से जुड़े कागजात दिखाने को कहा था। उन्होंने दिखाने से मना कर दिया ये कहते हुए कि ये राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गोपनीयता का सवाल है और ये नहीं दिखाया जा सकता। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप पर एक और आरोप है कि उन्होंने उन्होंने जो राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वेतन वगैरह हैं, उससे जुड़ा हुआ जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। अमरीकी संविधान के मुताबिक फेडरल पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, विदेश से पैसा अगर लेता है तो उसके पहले उसे कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप पर यह मामला है कि उन्होंने कांग्रेस की अनुमति लिए बगैर विदेश से पैसा लिया। वो मामला यह है कि उनका जो वॉशिंगटन डीसी में उनका एक होटल है ट्रंप इंटरनेशनल टावर, तो ट्रंप इंटरनेशनल टावर में कुछ विदेशी मेहमान आकर टिके थे, उन्होंने पैसे दिए थे और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद उसके प्रमुख हैं इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर यह मामला आया। इसके अलावा यह मामला भी आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो अपनी जो कंपनी है उस कंपनी ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए बढ़ा चढ़ा कर अपना मूल्यांकन किया था, अपना नेटवर्थ बढ़ा चढ़ा कर बताया था ताकि उन्हें अधिक कर्ज मिल सके। ये मामला भी है, इस मामले की भी सुनवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जबकि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा कि उन्हें कागजात चाहिए, 8 महीने का उन्होंने टैक्स रिटर्न मांगा था, 8 महीने का उन्होंने सरकार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कारोबार का हिसाब किताब मांगा था जो उन्हें नहीं दिया गया था, ये कह के कि ये राष्ट्रपति गोपनीयता का मामला है। एक और मामला है जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का निजी मामला है, उनके घर का मामला है, उनके परिवार का मामला है, लेकिन आरोप यह है कि उन्होंने वहां भी घपला किया। वो यह है कि उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि जब वो नाबालिग थी तो उनके पिता की मौत हो गई, जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के अपने छोटे भाई थे उनकी मौत हो गई, वो 42 साल के थे और उनकी बेटी मैरी उस समय 16 साल से कम उम्र की थी, नाबालिग थी, इसलिए उसके संपत्ति का देखरेख करने की का काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। लेकिन मैरी ट्रंप का आरोप यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखरेख करने के बजाय उसमें से पैसे निकाल लिए, पैसे को गलत ढंग से साइफन ऑफ किया। तो ये मैंने आपको बताया, ये 6 मुकदमे हैं जो किसी न किसी स्टेज में हैं, जो दबे हुए हैं, रुके हुए हैं, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की इम्यूनिटी मिली हुई है, उन पर अभी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन 20 जनवरी को जब वो अपने पद से हट जाएंगे उसके बाद एक एक करके ये सारे मुकदमे खुल सकते हैं, उन पर आरोप लग सकता है, उनका ट्रायल हो सकता है और मुमकिन है कि उनको जेल की सजा हो। यानी आज व्हाइट हाउस में बैठे हुए अमरीकी राष्ट्रपति पर कुछ दिनों के बाद बलात्कार के मामले में जेल की सजा भी हो सकती है। भविष्य क्या होगा ये हम देखते रहेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।